हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे? आज बहुत दिन बाद थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। क्या कमेंट में आ रहा था बहुत कि दृष्टि में एडमिशन लेने के बाद कैसे क्लास करें, क्या करें, कि सिलेबस तो ऐसे 18 मंथ का बोला जाता है, लेकिन मैं दृष्टि में खुद स्टूडेंट हूँ। 43 बैच है मेरा, 2021 का मैं हूँ, 31 मार्च 2021। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी नए एस्पेरेंट हैं या फिर नए गाइज हैं, वो शुरू से ही दो क्लास लेकर चले। 18 मंथ का बोला जाता है, लेकिन आपको पता ही कि यूपीएससी का सिलेबस पूरा वास्ट है। तो वैसे भी होता है कि नया नया एस्पेरेंट आने के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या करें, कैसे करें, कौन सा सिलेबस लें। अब कोई भी अगर स्टूडेंट आएगा, अगर तो अगर 202 में आएगा तो 203 में तो उन्हें एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, मतलब एक साल का मार्जिनल रखना पड़ेगा बीच में। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया हूँ, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अगर मेरी वीडियो देख कर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कहे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे दोस्त, कहे मैं थोड़ा पढ़ाई में कम थोड़ा सा मार्जिनल छोड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा कामयाब बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप फाउंडेशन बैच रहता है। तो फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि आपको सबसे सिलेबस वास्ट तो है ज्योग्राफी का, 120 क्लास लेगा, फिर हिस्ट्री का, फिर इकोनॉमिक्स का, फिर पॉलिटी का। ये सब बड़ा बड़ा वास्ट है। सबसे बड़ा वास्ट तो है ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल होगा। मेरा तो ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो मेरा 165 क्लास था, समझो 5 मंथ। तो आपको पता है 5 मंथ तो वास्ट हो गया, कितना छुट्टी होता है, कितना टेस्ट होता है, बीच में छुट्टी हो जा रहा है, तो 6 मंथ समझ लो। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आपको बताऊँगा ताकि मेरी वीडियो यूजफुल हो, ताकि आपको थोड़ी सी सहायता मिले। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब आप जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करोगे तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करा रहने दो। अगर आपको आप अगर 2022 में एडमिशन लिए हो तो 2023 के लिए नहीं, मेरा तो हुआ। अगर आप 2023 में एडमिशन ले और 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है तब मैं बता रहा हूँ, या 24 में लिए तो 25 में आपको देना तब बता रहा हूँ उसके लिए मैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले जीएस का फाउंडेशन बैच 1-2 मंथ कर ले, ताकि माइंड में कंटेंट आ जाए, कंटेंट लिखने का, जैसे कोई बोलता है ना कंटेंट, तो 1-2 महीना वो आप कर ले। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जब 2 मंथ हो जाएगा, 2 या 3 मंथ, हम तो बोलते हैं 2 मंथ, उसके दौरान आप समानांतर इक्वल आप ऑप्शनल ज्वाइन कर लें सुबह शाम या इतना। तो 2-2 क्लास करने से क्या होगा ना, आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर पाया था, जो थोड़ा सा मुझे पछताहत हो रहा है, लेकिन मैं 5 मंथ बाद ज्वाइन किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब 2 मंथ के बाद तुरंत ज्वाइन कर ले, चाहे 1 मंथ के बाद फाउंडेशन बेच के बाद, तो इससे क्या होगा कि 2-2 और परमानेंट 2-2 क्लास चलाइए आप। तो मैं दावे के साथ बोलूँगा कि आपका 18 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप मार्केट में कभी आप वापस ना पढ़ें, मैं खुद दृष्टि का एस्पेरेंट हूँ, मैं इसमें पढ़ भी रहा हूँ। तो मैं ऑप्शनल में क्या होता है कि ऑप्शनल आपको हिंदी लिटरेचर में तो आपको 18 टेस्ट लेता है, 12 टेस्ट सेक्शनल और 6 टेस्ट लेंथ लेगा, पूरा फुल लेंथ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, उसके दौरान आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। मैं करंट अफेयर्स में बाद में जाऊंगा, अगला वीडियो में बनाऊंगा करंट अफेयर्स का। तो आप इतना वास्ट ना करें कभी भी सिलेबस को। तो जब भी आप आते हैं, न्यू एस्पेरेंट हैं, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप माइंड भटकाएं कभी ना, फाउंडेशन बेच ज्वाइन करें। उसके बाद आप 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद जब क्लास हो जाएगी आपकी, उसके बाद तुरंत ऑप्शनल ज्वाइन कर लें। ऑप्शनल क्या होगा, ऑप्शनल ख़त्म होने के बाद ना, ऑप्शनल मेन मेन पोजीशन है इसका यूपीएससी का। 3 ही विषय तो है जो इसमें ज़्यादा नंबर ला सकोगे, और उसी से तो रैंकिंग डिवीजन होता है, एक एसे, एक ऑप्शनल, एक इथिक्स।
तो आप ऑप्शनल पे अगर कवर हो जाएगा पहले, तो आपको क्या होगा कि जो कोटेशन है, मैं हिंदी लिटरेचर के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे हिंदी लिटरेचर खुद है, तो ऑप्शन में क्या होगा कि आप ले पढ़ लोगे, उसके बाद आपको कोटेशन थोड़ा सा देखते रहना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन ऑप्शनल अगर बाद में आप करते हो तो आपको थोड़ा सा वास्ट मतलब प्रेशर होने लगेगा, एग्ज़ाम भी तो देना है ना सब। जैसे अभी हिस्ट्री पढ़े फिर पॉलिटी पढ़े, आपको टाइम तो नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, टाइम तो नहीं मिलेगा। तो टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आप थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाइएगा, तो जो भी पढ़े हैं वो भी भूल जाइएगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा दो दो क्लास रहने दीजिए, करते रहिए, उसके साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर जो दृष्टि का, मैं तो बीजन का फॉलो करता हूँ, बीजन मैं अगला वीडियो में भी बताऊँगा बीजन का क्यों मैं करता हूँ। तो आप इसका फॉलो करते रहे हमेशा, जिससे आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा और आप पछताओगे नहीं। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सही है, मैं अगला वीडियो में फिर बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा क्या टॉपिक क्या, अगर आपको लगता है वैसा तो मैं बताऊंगा, जरूर हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत।